ठाकुर की ऊंचाई को सुनना चाहते ईश्वर अलग है, लेकिन आपसे निवेदन है कि अपने बातें ये राधा नाम की महिमा उससे पूछिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मंदिर जाना चाहता है, संकीर्तन करना चाहता है। उससे कोई कहते कि 108 बार भैया की माला कर ले और तो ठीक हो जाएगा, मैं कहता हूँ 108 बार माला कर लेगा वो। उससे पूछिए राम नाम की महिमा, इस महामंत्र की महिमा। और आपको तो भैया जुबान, फिर वही बात है, नाम जपने को दी जुबान तू नाम जपता नहीं, आज का ना बोलना तुझे तब याद आएगा, बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे छूट ही चाहिए बस इतना दो बरसाना कौन गया राधा रानी के महल। चलिए जो लोग नहीं गए उन लोगों के लिए बता दें, आप बांके बिहारी जाएंगे तो बाहर लिखा है लोभ मोह कपट जिसके अंदर है वो लोग मुझे नहीं भाते। ये श्लोक लिखा है संस्कृत में मेरे ठाकुर के मंदिर के कपाट के ऊपर। लेकिन आप बरसाना जाइए, कहीं पर कुछ महलों में कहीं नहीं लिखा। मेरी किशोरी मेरी करुणामयी कहती है तू जैसा भी है आजा तुझे हृदय से लगा दे, क्योंकि करुणामयी वो माँ है और बच्चा कितना भी मैला हो कैसा भी हो माँ के लिए बालक को बालक है। एक फकीर जिन्होंने विराग ले लिया दुनिया से और संसार से और सिर्फ बरसाना में वास कर लिया, मधु करे करके खाने लगे, मान करके खाने को ब्रज में मधुकरी करके खाने लगे। विचार आया मन में बाबा के कि मैं जब भी आता हूँ दर्शन करने लाडली तेरा नित्य प्रतिदिन, यहाँ कोई ना कोई तेरे लिए उपहार जरूर लाता है हर समय, और मैं ऐसा पापी सदैव तेरे दरबार का मांग के खाया तुझे आज भी कुछ जहाँ नहीं पाया। हे लाडली आज मैं संकल्प करता हूँ कि मधुकरी करके मैं कुछ पैसे एकत्र करके आपको एक पोशाक पहनाऊंगा। बाबा ने मधुकरी करनी शुरू कर दी, उस पोशाक के लिए कुछ पैसे मांगने लगे, भिक्षा मांगने लगे। भाई जी बातें ना करिए प्लीज, सत्संग में आया सत्संग की तरह बैठी। खूब भिक्षा मांगते उन्होंने कुछ पैसे एकत्र किए, पोशाक के लिए वस्त्र खरीदा, पोशाक बना ली। आज 3 महीने हो गए उस पोशाक को बनाने में, 3 महीने हो गए। आज बाबा पूरी तैयारी से सो रहे हैं कि सुबह मंगला आरती में मैं अपनी किशोरी को अपनी करुणामयी सरकार को ये पोशाक पहनाऊंगा। आज बाबा के मन में बहुत खुशी है, आज नाच रहे हैं हो राधा। कहा जी मुझे ले लो। बाबा कहने लगी नहीं, ये मेरी लाडली के लिए, मेरी किशोरी के लिए है। उस कन्या ने बार बार जिद करी, बाबा ये मुझको चाहिए। आज उस बालिका में और बाबा में उस पोशाक को लेकर के खिंचातानी चल रही है। बाबा मना कर रहे हैं बार बार, किंतु वो बालिका मान नहीं रही। उसने कस के उस पोशाक को पकड़ लिया। जैसे ही बाबा से हल्की सी चूक हुई, वो बालिका उस पोशाक को छीन करके भाग गई। आज बाबा रो रहे हैं सीढ़ियों पे बैठ कर उस महलों कि क्या भूल हुई लाडली मुझसे ऐसी। आपने स्वीकार न करनी चाहिए राधे, कि माना लिया ना कभी नाम तेरा। बहुत भजनी थे बाबा, बहुत भजनी, नित्य प्रतिदिन भजन करते थे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं माना लिया ना कभी नाम तेरा। गुनाहगार हूँ मैं, शर्मसार हूँ, गुनाहगार हूँ मैं, शर्मसार हूँ, गुनाहगार हूँ मैं, शर्मसार हूँ, गुनाहगार हूँ मैं, शर्मसार हूँ। भला हूँ ना हूँ मैं, जैसा भी हूँ तेरा देव तेरा तलवार। बढ़ता है आगे। पर बाबा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज जैसे राधा रानी रूठ गई है, कि मुझसे पोशाक भी नहीं ली और आज कपाट भी बंद कर रखे। वो नजरे मिला तो तुमने तारा बिना सहारा तुम्हारा सहारों का कर तुम सहारा सवालों का जवाब दे तो दिया, फिर क्यों रो रहे हो? बाबा बोले नहीं किशोरी, हे करुणामयी, ये तो तूने मुझे बस बहलाने के लिए कर दिया है, मुझे असली कारण जानना है। आज किशोरी जो कह रही थी बाबा, जिस मध्यम चाल से आप चल रहे थे, आप मेरे नाम के गुणगान में इतने मस्त थे कि इधर मंगला आरती का समय हो चला था। यदि आप समय से ना पहुंचते तो गोस्वामी जी आज मुझे दूसरी पोशाक पहना देते, पर आज मेरा भी मन इसी पोशाक को पहनने के लिए था, इसलिए मैं स्वयं सीढ़ी उतर के आपसे पोशाक छीनी। यार ये कोई कहानी नहीं, हकीकत का वाक्य है। और ऐसी अनेकों अनेक कथाएं मेरी किशोरी जी के दरबार में। आइए आप भी मेरी लाडली जी के चरणों में वंदन करें, नाम जपें, उस करुणामयी सरकार से झोली फैला करके आज उसका नाम ही उससे मांग ले। आइए हाथ